ମୁଁ 5 ବର୍ଷ କୋମା ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ 2014 ମସିହାରେ, ତ ସେଠି ମୋର ସରୋଜଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେ ସେଠିକି ଆସୁଥିଲେ। ସେଠି ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ନର୍ସ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଖାଉଥିଲେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଅଛି। ତ ଓଭିଅସ୍ଲି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସେ ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫିଲ୍। ଗୋଟେ ପୁଅ କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ପୁଅ ମୋତେ ଏତେ କଣ୍ଡିସନକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ପୁରୁଷ ଜାତିର। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର କେୟାରନେସ୍, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ବୁଝିବାରେ ଲାଗିଲି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲା। ଆଫ୍ଟର 2 ଇୟର୍ସ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡେଲିରେ ଜବ୍ କଲି, ତ 2016 ମସିହାରେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମ ରିଲେସନ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ମାନେ ଭାବିନଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପୁଅ ଆମ ଲାଇଫ୍ର, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ରୁହନ୍ତି, କେବେ ମୋତେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଇକି ବି ସେ କେବେ ଅଥରିଟି ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ କି ହୋପ୍ କ'ଣ ମୋର 100% କନଫିଡେନ୍ସ କେବେ ବି କରିବେନି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ରିଲେସନ୍ ସବୁବେଳେ ବି ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଇ ରହିବ। ପରିବାର ଲୋକ କେତେ ଖୁସି ଅଛି? ପରିବାର ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଡେଡିକେଟେଡ୍, ମୋ ଭାଇମାନେ, ମୋ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋ ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରା ହୋଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଇନର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାରାତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ଆସିବେ ମୋ ସିଷ୍ଟର ଇନ୍ ଲ' ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ' ଆଣ୍ଡ ମୋର ପୁରା ଇନର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟିଭ୍, ତ ଓଭିଅସ୍ଲି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି କି ଆମେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଯଦି ନ ଚେଞ୍ଜ ହେବୁ सोसाइटी को कई भी परिवर्तन कर पाए। मुझे लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं, तो जब एक साथ हम खड़े होते हैं और एक साथ अपनी बात कहते हैं तो आ जाती है। वो कहते हैं ना, एक उंगली से मुट्ठी बंद नहीं होती, पांचों उंगली होती है तो मुट्ठी बंद होती है। तो पांचों उंगली हम सब दोस्त मिलके होते हैं और आज मेरे दोस्त की शादी है प्रमोदनी की, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं दिल्ली से उड़ीसा आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज एक और सर्वाइवर को, एक और मेरी दोस्त को एक लाइफ पार्टनर मिलेगा, क्योंकि एक केयर की बहुत ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं। तो आज वो केयर करने वाला हम सफ़र उसके साथ होगा खड़ा हुआ। आप क्या चाहते हैं, आपको कोई हम सफर मतलब आगे जाके आपका मैंने ऐसे लेके क्या बोलते हैं? ये मैंने कभी नहीं सोचा कि मतलब शादी करनी है या अभी करनी है या बाद में करनी है। मुझे लगता है कि लाइफ चल रही है तो वो सुंदर है और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। लाइफ में कभी कोई आता है तो ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करनी है, करेंगे कोई अच्छे लड़के का इंतजार। मैं लखनऊ से। एक नाम? शुभना। शुभना वंशु राजपूत। तो आज आपके बहन का शादी हो रहा है, जब से इसे हर्षा हो रहा है सारा देश में, बाद में जो जिंदगी बना है कैसे बनता है? मेरा ये कहना है कि हादसे तो होते रहते हैं, लेकिन हादसे होने के बाद हमारी लाइफ एक जगह नहीं रुकती है। मतलब कि हादसा हो गया है तो वो किसी ना किसी चीज़ के लिए होता है, हो सकता है कि सोसाइटी में एक मैसेज देने के लिए कि अगर हमारे साथ नहीं होता तो हादसा किसी और के साथ होता है। तो ज़रूरी नहीं कि हम उस हादसे को अपना मतलब कि कुछ ऐसे बना के बैठ जाए कि हमारे साथ ये घटना हो गई है तो मतलब कि हम जीने के लायक नहीं है या हम कुछ करने के लायक नहीं। जैसे कि मैं और मेरे जैसे दोस्त और जैसे प्रमोदनी है कि उन्होंने मतलब कि बहुत फाइट किया है लाइफ में, तब वो आज इस मुकाम पे पहुंच पाई हैं और आज वो शादी कर रही हैं। तो हम सभी लोग खुश हैं, हम लोग मतलब लखनऊ से और दिल्ली से हम लोग उनकी शादी अटेंड करने के लिए आए हैं और हम सभी टीम मेंबर की तरफ से उनके लिए बेस्ट विशेस हैं कि वो अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और लोगों की मिसाल बनते रहें। दुनिया लोगों की के लिए क्या संदेश दें कि कभी हारना नहीं? संदेश है कि मतलब कि जितना हम लोगों को करना पड़ता है तो वो लोग भी हमें आके सपोर्ट करें। जैसे कि हम लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, लेकिन सोसाइटी का भी इतना रोल होना चाहिए कि वो आगे आके हम लोगों को सपोर्ट करे। अगर वो लोग हमें लोगों को सपोर्ट करेंगे तो शायद हम लोग एक मुकाम पे पहुंच पाएंगे। कभी भी किसी भी परिस्थिति पर हमको हौसला नहीं खोना चाहिए, वही संदेश देना चाहते हैं। हौसले तो हमारे अंदर हैं, लेकिन उनको बुलंद करना जो है वो सोसाइटी के हाथ में होता है। अगर सोसाइटी हमारे हौसलों को बुलंद करेंगे तो हम लोग एक मुकाम पे जरूर पहुंच पाएंगे। सबूत सुंदर झगड़ा मुँहटा पीसा चिंता को बापा मरीगला पर सब दायित्व मुँहटा जितनी होते मुँहटा जेत बड़ करी पाठ साठ पढ़ी बहुत सुंदर करी कि अवस्था है बहुत मर्माहत हो तार एंजेजमेंट मैंने बाहर बाकी बहुत ଆଜି ଆପଣ କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ? ମୁଁ କନ୍ୟାଦାନ ହିଁ କରିବି। ସେ ତ ଯେଉଁ ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ଜୀବନରେ ହେଇଛି ସେ ତ କେବେ ମାନେ ଇଏ ହେବନି, ଲାଘବ ହେବନି, ତଥାପି
बहुत किसी परिवर्तन आसी जीवन में से तो जो दंड कष्ट भोगी मैंने आज पर्यटन भी भोगी चलती से तो केवे ये हेनी तथा से समय आए समय भितर बहुत माने पार्थक्य रही आज आपुभव कमी रही आज दिन में जो खुशी मुहूर्त मुझे भाव नी क्रमदिनिक जीवन में एमती पर खुशी मुहूर्त आस खुशी मुहूर्त आसो से ये दुनिया रे ए समय आहाघर तार हम कौ पुओ ताकू भी ग्रहण कर भी केवे स्वप्न में भाव नहीं।